हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टिक टू डेडी में और मैं हूं आपका होस्ट नईम खान। तो फ्रेंड्स यार, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यार गजब अर्निंग एप्लीकेशन लेके आया हूं। और खास बात बता दूं कि यार इस अर्निंग एप्लीकेशन में आप है जो यार मिनिमम एक रुपया रिडीम कर सकते हो, अब वो भी अपने पेटीएम में ले सकते हो आप एक रुपया मिनिमम रिडीम। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यार इसका जो है पेमेंट सिस्टम बहुत ही यार रिडीम है। और एक और आपको मैं बात बता दूं कि यार इसको मैंने न्यू अर्निंग एप्लीकेशन क्यों बोला है, वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये वही अर्निंग एप्लीकेशन है जो लगभग पूल गेम के लिए काफ़ी पॉपुलर है, यानी कि स्टिक पूल एप्लीकेशन। लेकिन अब जो यार उसमें स्टिक पूल एप्लीकेशन में यार एक धमाकेदार अपडेट आया जिसकी वजह से गेम हो गया भैया दो पार्टीशन में, यानी कि एक साइड में तो आपको पूल गेम खेलने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो इसका दूसरा साइड बना है यार वो बहुत ही गजब। और वहाँ पर यार ऐसा गेम आया लगभग जहाँ इंडिया की लगभग 90% पब्लिक जिस गेम को खेलना काफ़ी पसंद करती है और बहुत से यार स्टूडेंट भी उस गेम को काफ़ी खेलना पसंद करते हैं, तो उस गेम में भी अब जो है इन्होंने अर्निंग का सिस्टम चालू कर दिया है। और आप लोगों को तो पता ही होगा यार स्टिक पूल के बारे में कि यार स्टिक पूल का पेमेंट सिस्टम कितना गजब है कि अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी अगर विन करते हो तो आप उसको उसी टाइम में जो अपने पेटीएम में विड्रॉल ले सकते हो और इंस्टेंट देता है। तो यार इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाएगा क्योंकि यार मेरे को जो है उसका जो दूसरा सेक्शन आया वो बहुत ही अच्छा लगा, इंटरफेस के मामले में भी और गेम्स के मामले भी। और मैं चाहता था कि यार मैं काफ़ी टाइम से कि मैं उस गेम के ऊपर वीडियो बनाऊं क्योंकि अभी तक फिलहाल मेरे को उस गेम के ऊपर कोई मतलब ऐसी अर्निंग एप्लीकेशन नहीं मिली जो कि यार उस गेम के ऊपर अपने को अच्छी खासी अर्निंग करा सके। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए मेन वही गेम की वीडियो लेके आया हूं। तो यार बात करेंगे कौन सा वो गेम है जो यार इतना पॉपुलर और पब्लिक को खेलना अच्छा लगता है, और दूसरी बात स्टिक पूल में कौन सा अपडेट आया। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं यार स्टिक पूल के बारे में कि यार स्टिक पूल में कैसा क्या है यार जो अपडेट आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिक पूल ने अपना पूरा जो आइकन है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है। और खास बात बता दूं कि यार एप्लीकेशन का साइज़ भी बढ़ चुका है, मतलब 58 MB का हो चुका है जो पहले शायद 80 से 90 MB की हुआ करती थी। एप्लीकेशन आप खुद देख सकते हो कि इंटरफेस यार इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है स्टिक पूल का। अब देख सकते हो खुलने पे भी पूरा चेंज कर दिया है, यहाँ पे पूल रूम और यहाँ पे पोकर रूम। तो पहले पोकर रूम की ही बात करते हैं, तो भैया ये देखो पोकर रूम जो नया रूम आया था आप देख सकते हो कि भाई पूरा ही इन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अकाउंट, और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने रेफर एंड अर्न का भी यार बहुत अलग सिस्टम कर दिया है रेफर एंड अर्न का। और खास बात यहाँ पे आप अगर यहाँ पे अगर न्यू यूज़र हो तो आपको जो अगर आप यहाँ पे 5 जो है पेमेंट्स करते हो तो आपको 25 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉल और वेरीफाई करते हो अपना कोई फ्रेंड को मतलब रेफर करते हो तो आपको उसका 50 जो है टोकन्स मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये टोकन्स मिलेगा और एक 50 टोकन का मतलब 5 रुपये, यानी कि अगर आप एक फ्रेंड को रेफर करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप 20 रुपये तक की जो है अर्निंग कर सकते हो। और दूसरी बात अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी रियल मनी देख सकते हो 50,730 पड़ी हुई है जबकि वर्चुअल कोइन 7,015 पड़े हुए हैं। और रियल मनी को भी जो आप इंस्टेंट मतलब अपने पेटीएम अकाउंट में यार ले सकते हो। यहाँ पे आप एक प्राइवेट रूम भी अपना चला सकते हो, और इसके अलावा देख सकते हो कि टेक्सास होल्डिंग, तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे प्ले को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ब्लाइंड अमाउंट आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 2 रुपये का या फिर 5 रुपये का, तो मैं 5 ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ भाई प्ले। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेम का देख सकते हो इंटरफेस बहुत गजब है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 50,000 यहाँ पे 50 रुपये जो है विन किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे कहीं पे भी आप जो है सिट कर सकते हो, तो भैया मैं मिनिमम रखता हूँ 50। तो भैया देख सकते हो राउंड हो गया चालू हमारा, ठीक है। वैसे मेरे को इतना पोकर वगैरह खेलना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ कि भाई लोग आपको, और इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं खेलना आता है तो यार आप एक बार मट्टी ट्राई करना, इस पर पैसे मत लगाना। लेकिन जिन लोगों को यार अच्छा खासा खेलना आता है वो लोग यहाँ पे अच्छा खेल के यार अपनी जो है अर्निंग बहुत ज़्यादा यार डबल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सीधे के सीधे 2-2, 2.5-2.5 रुपये की जो है बारिश चल रही है, और आगे भी यार ये बढ़ती जाएगी। और आपको नहीं आता तो यहाँ पे आप सीख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से भाई की चाल हुई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं सीधा यार विनर हो गया, 7 रुपये मैं ऐसे ही जीत गया। तो यहाँ पे मैं थैंक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैं 7 रुपये जीत गया हूँ। मैं करता हूँ एक बार इसको क्विट, तो यहाँ पे भाई ये मैं आ गया लॉबी में और यस ये कर देता हूँ लॉबी में। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही भैया 7 रुपये जीत गया था, मेरे को खेलना आता नहीं है वैसे पोकर। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये इनका जो पूरा न्यू इंटरफेस आया अभी बीटा के अंदर आया है, रेफर एंड विन का भी यहाँ अलग की कर दिया मतलब सिस्टम। और यहाँ पे आपको चिप्स के लिए भी यहाँ पे देखो अभी कमिंग सून है, जल्दी यहाँ पे इसका भी आएगा और बोनस का भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है कमिंग सून है। तो यार जिन लोगों को यार पोकर खेलना बहुत अच्छा लगता है यार, कि भाई जो लोग मोबाइल में 3 पत्ती वगैरह खेलते हैं तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो वो लोग यार इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें अर्निंग है ना यार जितनी, मतलब कि इसमें जितने सेकंडों की अर्निंग है ना उसका उतना किसी का भी यार अर्निंग का मुकाबला नहीं है। और वैसे तो आप लोगों को स्टिक पूल के बारे में पता ही होगा कि मेन किस लिए यार पूल के लिए फेमस है। और यार खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यार इसमें जो है मैं आपको एक हैक ट्रिक भी दूंगा यार वीडियो में,
ऐसी बात नहीं है कि आपको हैट्रिक भी नहीं दूंगा यार, गजब हैट्रिक दूंगा, तो वो भी आप देखना कि उससे भी आपको पूल गेम खेलना यार बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने आइकन भी चेंज कर दिए हैं अपने, लोग आपने देखा कि यार पूरा इंटरफेस उन्होंने चेंज कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले ये पबजी वाला मोड लेके आए थे और अब पोकर वाला भी लेके आ गए, तो यार ये बहुत गजब लगा। और यार अब बात करते हैं यार हैट्रिक की, कि हमको यार इसमें गेम में यार हैट्रिक कैसे करना है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इसको स्लाइड करना होगा, स्लाइड करने के बाद में आपको अपने सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में देखो मैं आप लोगों को बता दूं यार, ये जो है ऑप्शन है ये आपको कुछ मदद कुछ हद तक यार हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग मैंने खोल ली अपनी, सेटिंग खोलने के बाद में यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एडिशनल में जाता हूँ, एडिशनल में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एसेसिबिलिटीज़ में जाना है। एसेसिबिलिटीज़ में जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन और ऑन करना होगा जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन विद ट्रिपल टैप को आपको यहाँ पे आके ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद में अब जो आपको अपनी स्टिक पूल क्लब एप्लीकेशन को ओपन करनी होगी, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे वन एंड वन ओपन करना होगा। यहाँ पे आप कोई भी जो एक टूर्नामेंट, चलो मैं 50 वाला लगा लेता हूँ यार, ये इन्होंने नया भी छोटा जो है राउंड दिया कि यहाँ पे आप 5-5 रुपये भी जो आप लिटिल खेल के मतलब अर्न कर सकते हो। देखो एक चीज़ बता दूँ, अगर न्यू यूज़र हो आप, यहाँ पे न्यू साइन अप करते हो तो आपको यहाँ पे 250 टोकन्स मिलेंगे, यानी कि 25 रुपये मिलेगा। तो आप ये जो है 5-5 वाले खेल के 5 राउंड खेल सकते हो अच्छे से। तो यार यहाँ पे ये प्रॉफिट हो गई, तो मैं एक बार यहाँ पे टेबल को ऑन करके फिर आपको दिखा। तो देख सकते हो कि भाई प्लेयर हमारा चूज़ हो गया है, प्लेयर की बारी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई अभी ये बंदा अपनी बारी चलाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक मैग्निफिकेशन का एक प्रॉफिट बताऊंगा, क्योंकि देखो पर्सनली मैं खुद ये गेम खेलता हूँ बहुत बार, मैं जब फ्री बैठा रहता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है तब ये गेम में खेलता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको जो न्यू बंदे आएंगे ना, उनको देखो एक यहाँ पे स्टेज पे आके एक इशू होगा। अब वो क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी जैसे ही मेरी बारी आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यार कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग एंगल सही नहीं सेट कर पाते, क्योंकि पहले मैं खुद भी नहीं सेट कर पाता था, अब तो मैं फिलहाल अच्छा खेल लेता हूँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि एंगल से ही सेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अभी मान लो ये मैंने चला दिया, चलो ये तो निकलने को भैया ऐसे ही निकल जाएगी, ये तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ। इसके अलावा देखो अब बहुत से बंदे बताऊँ क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये तो निकल गई, अब जैसे मेरे को यहाँ पे एंगल सेट करना है और यहाँ पे मेरे को ये इसमें से भी इजीली ये तीनों में से कोई ना कोई बाहर आ जाएगी, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो भैया मैं जैसे स्ट्राइप हो गया, तो अब भैया मेरे को जैसे यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ, ये यहाँ पे ये वाला, इससे इसको मारता हूँ, फिर वो वाली सीधी चली जाएगी। फिर मैं आपको एंगल वाला पूरा बिठाता हूँ कि भाई कैसे जैसे आपको इसमें एंगल का क्या मतलब प्रॉब्लम आता है और कैसे आप इसको जो है हैक कर सकते हैं। तो मैं एक बार अपनी बारी पे फिर से ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मेरे को ये वाली बॉल निकालनी है, अब ये वाली बॉल निकालने के लिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो बराबर एंगल नहीं होता, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, 3 बार डॉट करना होगा। उससे देख सकते हो जूम हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको जूम होने के बाद मैं इसको बराबर टू बराबर ऐसे मिला सकता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे चाहूँ तो एक बार फास्ट शॉट मार सकता हूँ। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा थोड़ा सा चूका है, बाकी अगर मैं थोड़ा सा इसको और सेट करता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधी जो है मेरी बॉल पोर्ट हो जाती। इसका प्रॉफिट ये है कि जैसे आप यहाँ पे हो और आपको दूर का बॉल निकालना है, तो आप ऐसे बॉल को जूम करके उसको आराम से यहाँ पे सेट कर सकते हो, और सेट करने के बाद में जो है इजीली मार सकते हो निशाना। तो मैं एक बार अपनी बारी लाके फिर से आपको दिखा देता हूँ यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मेरी बारी आ गई है फिर से। अब जैसे मेरे को यहाँ पे कोई भी जैसे बॉल निकालना है, चलो इस वाली बॉल को मान लेता हूँ कि भैया मेरे को ये वाली बॉल निकालना है, तो मैं इसको देखो 3 बार टैप करूँगा, यहाँ से ऐसे नीचे लेके आऊँगा, बराबर टू बराबर यहाँ से देखो इसको एंगल मिला लूँगा कि भाई एंगल सही है क्या। एंगल सही होने के बाद में मेरे को कुछ भी नहीं करना है और यहाँ से सीधा इसको बॉल को मार देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी थोड़ा सा यार मैं आपसे वीडियो बनाते टाइम मैं ऐसे खेल रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी के अदरवाइज़ अगर आप ऐसे यहाँ पे इसको इतना अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो कितना ईजी हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आप यहाँ से एकदम सीधा यहाँ से मिला सकते हो और उसके बाद में सीधा सा शॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको कभी कभी खेलता हूँ, इतना नहीं खेलता हूँ, लेकिन मेरे को ये सबसे ईजीएस्ट वे लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बहुत से यूज़र्स हैं जो न्यू खेल रहे हैं अभी, उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो लोग काफ़ी अच्छे से इस गेम को खेलना सीख सकते हैं, तो इसलिए मैं ये लेके आया आप लोगों के लिए ये वाला ट्रिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये मेरी जो बारी आ गई है यहाँ पे एक बार के लिए, भैया मैं इसको ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ट्राई करने के बाद मैं इसको मैं करता हूँ यहाँ से यहाँ पे मिला देता हूँ, मिलाने के बाद में ये भैया ये रहा और ये भैया गया मेरा सीधा शॉट अंदर। तो देख सकते हो कि भाई कितना इजी तरीके चला गया। अब देखो मैं ये वाला मार के दिखाऊंगा आपको फिर से एक बार, तो ये वाला देख सकते हो कि क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं ढंग से खेलूँगा तो इसलिए ये वाला भी आपको लगा के दिखाऊँगा, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं लगाऊँगा, आप बोलो तो मैं ये वाला भी लगा दूँगा। तो देख सकते हो अब यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट एंगल नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे देखो आप एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा जूम दिखने की वजह से यार देखो इतना इजी लगने लगता है कि भाई एकदम मज़ा आ जाता है गेम खेलने में। और इसके बाद में देखो सीधा सा कर दो पोर्ट, तो ये देख सकते हो कितना इजी वे में चला गया है। तो आप कुछ इस तरीके से ये जो जूम करके ट्राई कर सकते हो गेम, और आपको थोड़ा सा यार इजी लगेगा खेलने में यार, क्योंकि थोड़ी बहुत ये हेल्प कर देगा।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगता है जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।